स्टेशन था और कह रहा था कि स्प्रिंग के दोनों तरफ ब्लॉक रखे हुए हैं, दोनों ब्लॉकों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जा रहा है और इस स्प्रिंग का रीडिंग क्या होगा। ये सेट का क्वेश्चन है जो हरियाणा में आया हुआ है। तो आपने ये देखा दोनों तरफ फोर्स है, नेट फोर्स दिख गया, आपने इसे मान लिया एक सिस्टम और उस सिस्टम पूरा का पूरा राइट जा रहा होगा क्योंकि राइट वाला फोर्स ताकतवर है और हमसे कहा गया कि रीडिंग बताओ। पहले आपने क्या किया, एक्सलेशन पता कर लिया। आप एक कंसेप्ट रिकॉल करो, आपको पता है रीडिंग जो होता है ये होता है स्प्रिंग को कितना खींचा गया, टी मीन्स टेंशन एट एनी वन एंड ऑफ द स्प्रिंग। ये होता है कंसेप्ट। रीडिंग जो पूछा जाता है क्या होता है, तो टेंशन। और आपको हमने एक क्लास लिया उसमें आपको बताया कि स्प्रिंग के दोनों किनारे पर टेंशन एक जैसा होता है, जो भी होता है। तो कोई एक किनारे का टेंशन ले लो, वही होगा रीडिंग। अब ये टेंशन निकलेगा कहां से, इसके लिए भी क्या आइडिया है। आप 5 kg वाले ब्लॉक को देखो, 5 kg वाले ब्लॉक को खींच रहा है एक 25 N और एक कौन खींच रहा है, टेंशन टी। और एक्सलेशन कितना है, ये आपने पता कर लिया है 2 m/s² पूरे सिस्टम का जो है वो इसका भी है। तो आप क्या लिखेंगे, एफ नेट इक्वल्स टू 5 A, 25 - t इक्वल्स टू 5 × 2, 25 - t इक्वल्स टू 10, टी इक्वल्स टू 15। आपके पास आ गया टी इक्वल्स टू 15 N। तो रीडिंग कितना हो गया, रीडिंग हो गया 15 N। ये है आंसर। आप में से जिन बच्चों को ये समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया तन्मय, बहुत बढ़िया अर्पित, कार्तिक बहुत बढ़िया, आद्या बहुत, आद्या कंफ्यूजन है अभी थोड़ा, बहुत बढ़िया। नीलेश, राशि, राशि ये आई थिंक हम लोग, हाँ बहुत बढ़िया, आपके भी समझ में आया। तो आप लोग यदि इसे समझ पा रहे हो तो इसका मतलब है, अब ये भी तो एसेस करो ना यार, आप यदि इसे बनाते हो तो ये समझो बहुत एक्सेप्शनल एफर्ट कहलाएगा। इंडिया के, अभी तो केवल हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के केवल 0.001% बच्चे इतना 9th-10th के लेवल पे स्ट्रांग होंगे कि जो इसे बना पाएंगे। यदि मैं अपने 11th के बच्चों के टेस्ट में डाल दूंगा, उसमें यदि 20 बच्चे टेस्ट देते हैं तो भी सारे नहीं बना पाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ इसमें गलत कर देंगे क्योंकि 11th का एक्चुअल क्वेश्चन। और यदि मैं वो 9th वाले से पूछ के बनवा लूं, ये तो 9th वालों का ताकत है, यदि कुछ बच्चे उसमें से सही कर देते हैं ये बहुत अच्छा कहलाएगा। तो आपको मैं डरा नहीं रहा, आपको ये कह रहा हूं कि यदि क्वेश्चन पढ़ के आपको कुछ टफ लग रहा है तो केवल आप नहीं, पूरे हरियाणा के बच्चों को टफ लग रहा है। फिर आप यदि उसे ड्रॉप कर रहे हो तो आप डिमोटिवेट मत हो, आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। मार्क्स तो टोटल काउंट किया जाता है, उस टोटल मार्क्स में आपको अच्छा परफॉर्म कर देना है। मार्क्स चाहे जिस सब्जेक्ट से आ जाए, चाहे मैथ से आ जाए चाहे फिजिक्स से आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको इसीलिए हम लोगों ने फोकस करवाया है मैट वाले एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं ये फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूं। स्क्रीन पे चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। यहां है एक पैकेट और ये पानी में नीचे गिर रहा है, वेट है W, वेट मतलब mg है W, और एक्सलेशन है g से कम। सोचो यदि g से कम एक्सलेशन है, इसका मतलब कोई ना कोई है जो रोक रहा है पानी में नीचे जाने से। अच्छा, अब यदि पानी में नीचे जाने से कोई रोक रहा है तो ये कौन होगा, पूछ क्या रहा है, रेजिस्टेंस कितना है।
ये बात भी समझ में आई। मुश्किल तो है, देखते हैं। आपको ये तो पता है ना, चित्र बना लूं मैं, उसके लिए फिर से मैं शेयर करूं व्हाइट बोर्ड। मुझे ये देखिए 89 जो सेट का ये क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि एक ब्लॉक है जिसका वेट है W, जिसे आप कह सकते हैं mg। यदि m चाहिए तो लिख सकते हैं W by g, एक इक्वेशन ये। और यहां क्या देख रहे हैं आप, ये डूबा हुआ है पानी में और ऊपर फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई। सर कोई ना कोई का क्या मतलब? अरे मुझे नहीं ज्यादा मतलब, एफ अपोजिशन, ये विरोध करने वाला है, ब्लॉक को कहता है नीचे मत जाना, लेकिन फिर भी ब्लॉक नहीं मान रहा, नीचे जा रहा है। तो यदि मैं ज्यादा अकल नहीं लगाऊं, मैं अपने को 9th के लेवल में धकेल के ले जाऊं, तो भी याद आता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एफ नेट बराबर एम इंटू ए। एफ नेट क्या लिखोगे, डब्लू माइनस एफ बराबर एम के बदले डब्लू बाई जी इंटू ए। तो डब्लू, क्योंकि एम के बदले डब्लू बाई जी यहां से ले आए, तो W माइनस डब्लू बाई जी इंटू ए, ये किसके बराबर आ जाएगा, F के बराबर। W कॉमन ले लें, 1 माइनस ए बाई जी, ये क्या आ जाएगा, F के बराबर। तो F आपको पता चल गया कितना होगा। F नेट MA कैसे लिखा, दो अपोजिट फोर्स दिख रहे हैं, पहला नीचे और दूसरा ऊपर। चूंकि नीचे एक्सेलरेटेड है तो नीचे वाले फोर्स को हम ताकतवर मानेंगे, और ऊपर वाला विरोधी तो है ही, तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, नेट फोर्स आ गया। और एम ए लिखते हैं, एम कहां से आएगा, वेट बाय जी, क्योंकि वेट तो होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इक्वेशन बन गया तो रिजल्ट समझ में आ जाएगा। आप में से जिनके ये भी समझ में आ गया, हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया तन्मय, नीलेश, अरे वाह आद्य, बहुत बढ़िया कार्तिक, बहुत बढ़िया अर्पिता, राशि के भी समझ में आया, अरे शानदार, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोग यदि इसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो समझ लो इंडिया के जो कुछ बच्चे हैं वो इन सबको बड़े आराम से 9th-10th लेवल में सोच पाते हैं, सबके बस की बात नहीं होती। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं जिसपे क्वेश्चन आप देख पाए। देखिए 89 के बाद 90। आपने जनरली जब ग्राफ देखा होगा तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे रखते थे और टाइम एक्स एक्सिस पे, यहां उल्टा पुल्टा कर दिया गया। तो अब चूंकि आप 10th में हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप अब इस बात को समझ पाएंगे कि यदि यहां पर है टाइम और यहां है डिस्प्लेसमेंट, तो गौर करो, और ये है 30 डिग्री, तो यहां से यहां तक जो देखोगे ये मिल रहा है टी, और उतने देर में ये कितना आगे चला आया, ये दे रहा है डिस्प्लेसमेंट। चूंकि आपने डिस्प्लेसमेंट ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहां लिख लिया, और 10:30 क्या कहोगे,
ये अभी स्लोप तो वैसे डीवाई बाई डी एक्स कहते थे, आप केवल ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ट्रिग्नोमेट्री से टेन थर्टी क्या लिखोगे, एस बाई टी, और एस बाई टी को क्या कहते हैं, वी, तो बताओ वी कितना आ गया, वन बाई रूट थ्री। यदि कुछ बच्चे केवल स्लोप बोलकर काम चलाते और टेन सिक्सटी लिख देते रूट थ्री, तो ये तो गलत हो जाता, ये नॉट अ वेलोसिटी। तो क्योंकि यहां 60 डिग्री है, वो तो इस ग्राफ का स्लोप यही 1060 कहते, लेकिन ये वेलोसिटी नहीं देता, क्योंकि यहां इसके 1060 लिखते तो ये टी था, यदि आप 1060 लिखते तो टी बाई एस आ जाता, ये 1 बाई वी होता, तो ये लफड़े में पड़ जाते आप। तो आपने ये 1030 सोचा, एस बाई टी दिमाग में लाया आपने, ये टी है और ये एस है, 1030 एस बाई टी होगा, वो भी हो जाएगा, तो 1030 वेलोसिटी दे रहा है। जिन जिन के समझ में आया हैंड राइज करें प्लीज। फिर से ये 90 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर है। अरे वाह निलेश, आरव, कार्तिक, आद्या, तन्मय, अर्पिता, राशि एक बार और समझाऊं क्या? नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राशि, आद्या और राशि आप लोग भी समझ रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत किया है आपने, बहुत बढ़िया। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीन शेयर कर दूं जिसपे क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। आपने यहाँ 91 देखा, अब ये भी जो है मैं 100% कह रहा हूं, यदि इस क्वेश्चन को 11th के बच्चों से पूछ दिया जाए उसमें से भी 60% बच्चे गलत कर देंगे, तो सोचो 9th के बच्चे यदि सही करें, क्योंकि 10th में तो ये नहीं पढ़ते, 9th में पढ़ते हैं, और 9th के बच्चे ये सही करें तो वो एक्सेप्शनल एफर्ट सर, तो फिर एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चन क्यों दे देता है, ये इंपॉर्टेंट आएगी। देखो आपका मैनेजिंग स्किल चेक कर रहा है कि आप मार्क्स कलेक्ट करने के लिए मैट को यूज करते हो कि नहीं, एसएसटी को यूज करते हो कि नहीं। आपका कुछ स्टूडेंट जो ऐसे क्वेश्चन भी बना देंगे उनको डिजर्विंग मान लेता है, भाई ये तो अपने टाइम से बहुत आगे बढ़ गए हैं, इन सबको स्टाइपेंड दे दो, गवर्नमेंट के नजर में ये अच्छे बच्चे हो गए, क्योंकि जितना हमने स्कूल में पढ़ाया उससे भी ज्यादा ये पढ़ चुके, खुद की स्टडी कर ली इतनी, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, तो आगे चल के भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे, देश का नाम करेंगे, तो इन बच्चों को हर एक महीने पैसे दो गवर्नमेंट की तरफ से, ये अच्छे बच्चे हैं। तो अब जब टफ क्वेश्चन पूछता है तो वो ये भी पता है गवर्नमेंट को भी यार ये कठिन है, और यदि ये कठिन है तो हम लोग मुश्किल है कि सारे बच्चे इसे कर पाए, तभी तो अलग कर लेते हैं कि इन बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाएगा और जो ये करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन होने के लिए वो मैनेजिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, मैनेजिंग स्किल कि बाकी सब्जेक्ट से भी वो क्वेश्चन हम कलेक्ट कर ले मार्क्स, जो आसान जो बहुत टफ है उन्हें हम छोड़ दें। अब देखो मैं एक आइडिया समझाता हूँ इस ग्राफ को देख के, वी स्क्वायर और एस का एक ग्राफ है ना, 91 क्वेश्चन कैसे एनालाइज करते हैं आपको मैं ये बताता हूं कि जब भी कोई ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं या तो एरिया काम का होता है या स्लो, ये याद रखिएगा हमेशा मेरी बात, कोई भी क्वेश्चन हो वो मान लो ये वी स्क्वायर दे रहा है और ये एस और ये ऐसे ग्राफ, आप यदि इसके स्लोप के बारे में सोचते, यदि आप इसके स्लोप के बारे में सोचते तो यहां वाला थीटा ढूंढते, तो स्लोप जब कहते तो स्लोप कहते तो टेन थीटा याद आता, और टेन थीटा कैसे लिखते पे विचार करते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने दो पॉइंट चुन लिए, तो दो पॉइंट चुन लिए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने इसे कह दिया इनिशियल पॉइंट ए और इन्हें कह दिया फाइनल पॉइंट। इस दौरान जो पार्टिकल आगे चल के गया ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, और आप जो देख रहे हैं
इनके वैल्यूज यहां पर क्या आ गया, ये यू स्क्वायर हो जाएगा और ये वी स्क्वायर, डी पे फाइनल वेलोसिटी, यू पे इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां से यहां क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया एस, और ये ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री यूज करके ये एंगल भी थीटा हो गया। तो अब मुझे आराम से इस चित्र को देखकर ये बताओ, टेन थीटा कैसे लिखते, परपेंडिकुलर बाय बेस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई एस। और आप एक कंसेप्ट जानते हैं, कंसेप्ट क्या जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉन्स्टेंट नंबर से सी। तो आपके पास आ गया सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई एस। एक काम करो, आप डिवाइड कर दो c को 2 से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को भी 2s, ये 2 दोनों तरफ डाल दिया। और याद करो कि आपने कहीं देखा है कि ये a होता है, सिंस v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस या प्लस 2s। तो यहां से देख लो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2s किसके बराबर हो जाएगा, ये। तो अब आपको यहां से क्या पता चल गया, एक्सेलरेशन जो है ये है एक कोई कांस्टेंट बाय 2, माने कांस्टेंट का आधा भी तो कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। इससे हम क्या कहेंगे, हेंस मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसको यदि मेंस के एग्जाम में, आईआईटी के मेंस के एग्जाम में पूछा जाएगा तो 10 लाख बच्चों में से शुरू के केवल जो होंगे, मुझे लगता है 10,000 बच्चे शायद वो सही कर सके, 5,000 बच्चे जरूर सही करेंगे 10 लाख में से, ऐसे सोचो। और नाइन्थ का बच्चा ये सही कर दे तो ये तो एक्सेप्शनल कहलाएगा, उनको तो गवर्नमेंट कहेगा कि भाई बुलाओ इनको, खाना वाना खिलाओ, आज से इनको अपने हॉस्टल में रखो, आज से इनको खुद ही पढ़ाओ, ये तो अच्छा करेगा ही करेगा, क्योंकि जो नहीं पढ़ाया ये वो भी कर देता है। लेकिन थोड़े ध्यान से देखें तो आपको स्लोप का आइडिया देने की कोशिश की गई है नाइन्थ में, आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है ये बताने की कोशिश की गई है, और आपको ये फॉर्मूला भी पता है जहां नीचे स्टार में कर रहा हूं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2s। तो आपकी यदि एनालाइजिंग एबिलिटी जबरदस्त है तो नाइन्थ के लेवल में रह के भी आप इसे अपने ही सोच करके सीख लेंगे और बना लेंगे, क्योंकि टेंथ थीटा आप क्लास टेंथ में सीख चुके हैं, टेंथ थीटा आप सीख चुके हैं क्लास टेंथ में। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। एनालाइजिंग एबिलिटी आपकी जबरदस्त चाहिए या नहीं चाहिए, सिलेबस के भीतर है क्वेश्चन, लेकिन है ये 11th का क्वेश्चन, और 11th में भी मैंने कहा 10 लाख बच्चों में से शुरू के 10,000 केवल इसे बनाएंगे, बाकी को इतना एनालाइज करना नहीं, वो मेंटल इतना स्ट्रेंथ उनकी हो ही नहीं पाती। कितने बच्चों के समझ में आ गया वो हैंड राइज कर दो तो जल्दी जल्दी, जिससे हमें अंदाजा लग जाए आप कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आरव, बहुत बढ़िया राशि, बहुत बढ़िया तन्मय, अरे शानदार कार्तिक, अरे वाह आद्य, बहुत बढ़िया। युक्ति अभी अभी इंटर की है क्लास में आप? यस सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था बच्चों से कि सेट के मैं एक ईयर के पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, और इनमें
आपका मैनेजिंग स्किल देखा जाएगा कि मैथ से आपने स्कोर कितना कर लिया, एसएससी से कितना कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कितना कर लिया, मैथ। दिक्कत क्या है ना कि ये टच कर दे रहा है फिजिक्स को लेकर के 11th 12th, तो बहुत कम बच्चे होंगे जो इन्हें सही कर पाएंगे, और जो सही कर पा रहे हैं केवल वही सिलेक्ट होंगे ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चों का मैथ में भी स्कोर नहीं होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी नहीं होगा, वो बाहर रह जाएंगे। बहुत से बच्चों का मैथ शानदार हो जाएगा, एसएसटी खूब कर लेंगे, थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कर लेंगे और फिर भी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहां जैसे आपसे पूछ दिया गया था इस क्वेश्चन में, एक वी स्क्वायर और एस का ग्राफ, मैं एक पेज पे फिर बता देता हूं कि आपके सामने में ऐसा एक चित्र दे दिया, कह दिया कि ये वेलोसिटी का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट वाला एक ग्राफ है। तो मोशन के बारे में बताना है, चार ऑप्शन दे दिया था, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है, नन ऑफ दिस। कैसे बनाएंगे ये मैं चर्चा कर रहा था बच्चों के साथ। चूंकि अच्छा क्वेश्चन है तो एक बार मैं और आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं, आपको भी मजा आए थोड़ा। इसलिए युक्ति यहां देखो, मैं पीछे इसे बढ़ा दूं तो आपको याद आएगा ना कि स्लोप के लिए ये टेन थीटा लिखते हैं। यस सर। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ध्यान से देखो, मैंने दो पॉइंट चुन लिया, एक को कह दिया इनिशियल और एक को कह दिया फाइनल। तो उन दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी होंगे। तो यहां पर मैंने इनिशियल पे स्पीड मान लिया यू स्क्वायर और फाइनल पे स्पीड मान लिया वी स्क्वायर। और ये जो इस दौरान डिस्प्लेस हुए वो डिस्प्लेसमेंट तो यहां दिखा रहे हैं एस। अब यदि मैं इन्हें एक्सटेंड कर दूं तो ये ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से पता चल गया ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा थीटा एक जैसे होंगे। ओके ना युक्ति? यस सर। यहां पर ये परपेंडिकुलर कितना दिखने लगा आपको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि यहां वही दिख रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये कितना दिखने लगा एस। तो टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई एस। और आप एक पॉइंट तो ये आ गए ग्राफ से, ग्राफ वाले क्वेश्चन में या तो स्लोप काम का होगा या एरिया, ये ध्यान रखिएगा। और अब आप अगला पॉइंट देखिए जो आप जानते हैं, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ए कांस्टेंट नंबर, ये भी जानते हैं ना। कर्व होता है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप, स्ट्रेट लाइन होता है तो फिक्स नंबर। तो अब यहां देखो ये जो हो गया ना, ये tan थीटा एक कांस्टेंट नंबर दिखने लगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s कर दिया और 2s कर दिया, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब याद करो एक जानते हैं काइनेमेटिक्स, सेंस आपने पढ़ा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s इक्वल्स टू a। हेंस आपको जो tan थीटा मिला, 2 इधर s नहीं, लेफ्ट साइड में s नहीं, केवल 2 से डिवाइड किया, tan थीटा बाई 2 मिला, tan थीटा बाई 2 किसके बराबर हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, ये क्या हो गया a, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया कांस्टेंट, कितना tan थीटा एक नंबर बाई 2। तो यदि ये कांस्टेंट हो गया तो हम क्या कहेंगे, हेंस मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। ये 10,00,000 बच्चे जब देंगे आईआईटी के जेई का एग्जाम, उसमें से केवल 10,000 बच्चे इतना सोचते हैं अच्छे ढंग से, बाकी बच्चे तो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। और आपसे यदि 9th के लेवल में डाल दे ऐसा क्वेश्चन एनटीएससी में, ये एनटीएससी के पेपर का क्वेश्चन है भाई,
तो हम यही मान के चलेंगे ना कि यदि ऐसा क्वेश्चन कोई सही कर देगा तो गवर्नमेंट क्या कहेगा, जो पढ़ाते हैं वो तो ये बच्चा जानता ही है, जो नहीं पढ़ाते हैं ये वो भी सोच लेता है। अलग अलग हमने पॉइंट बताया स्लोप, अलग टेंथ में बता दिया ट्रिग्नोमेट्री, टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस, और थोड़ा सा ग्राफ नाइन्थ में बता दिया, ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए एस तभी यूज होता है जब एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट हो। ये सारी बातें जो अलग अलग बताया उसको बच्चे ने मिक्स भी कर लिया और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया, तो गवर्नमेंट खुश हो जाएगा या नहीं? गवर्नमेंट कहेगा इन बच्चों को पैसे दो, खाना पीना खिलाओ, अपने कॉलेज में पढ़ाओ, ये अच्छा करेंगे, इनको एनटीएससी में तो देना ही देना है इस टाइप। तो आप क्या करेंगे, अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बन गया वेल एंड गुड, नहीं बना तो आपको पता है पूरी दुनिया छोड़ चुकी है इसे, सिलेक्शन के लिए इसे नहीं बनाने पे भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपने मैट पे फोकस किया, खूब करवाई क्लास आपकी, हम लोगों ने यही सोच करके कि आप लोग अच्छा कर दें, चाहे फिजिक्स से नंबर आए चाहे मैथ से, इंस्टीट्यूट तो मेरा ही बढ़ेगा ना आगे। तो मैंने इस बात पे नहीं सोचना शुरू किया कि मैं फिजिक्स पढ़ा के फिजिक्स के 10 क्वेश्चन सही करवा दूंगा और मैथ वैट में नहीं भी करेगा तो क्या होगा, 10 क्वेश्चन से तो वैसे ही नहीं सिलेक्शन होगा। तो मैंने इसीलिए आपके ज्यादा क्लास नहीं इन्वॉल्व किया अपनी तरफ से, मेरे पास टाइम था, लेकिन मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, उन सब क्वेश्चन को मैं इज्जत देता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे इस लेवल पे ऑलरेडी हैं, लेकिन सब इस लेवल पे एक ही दिन में आ जाएंगे ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता। ये 11th में और डिटेल पढ़ते हैं, मैं 11th के बच्चों को कह रहा हूँ कि यदि पूछ दूं तो उसमें से 60% ही सही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी जल्दबाजी में एग्जाम के प्रेशर में इतना नहीं सोचेंगे, जल्दबाजी में कुछ गलत चुन लेंगे चार ऑप्शन में से। तो आप लोग यदि सही करते हैं तो आप खुश होइए, और नहीं करते हैं तो घबराना नहीं है, इसलिए क्योंकि सिलेक्शन ऐसे क्वेश्चन के छोड़ने पर भी होगा, क्योंकि ये सबके लिए टफ है, केवल आपके लिए नहीं, और कुछ क्वेश्चन सीधे आसान होंगे, उनका आप आंसर कर लेंगे। देखिए, जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन था, युक्ति आपके लिए मैं लिख रहा हूं, यहां पर दिया गया था टाइम और यहां दिया गया था डिस्प्लेसमेंट, यहां दिया गया था 30 डिग्री, और आपसे पूछ रहा था वेलोसिटी बताओ। तो आप याद रखिए कि जब भी ग्राफ आएगा तो ग्राफ में या तो स्लोप काम में आता है और नहीं तो एरिया, ज्यादातर इसी के भरोसे आप काम करते हैं, और स्लोप कहते ही याद आना चाहिए टेन थीटा। यहां पर मुझे 30 डिग्री दिख रहा है और वो जनरली नीचे एक्स पे दिखता था, आज उधर दिख रहा है। एक काम करो, यहां तुम देखो, ये एक पॉइंट चुन लिया, इस पॉइंट के लिए ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा टाइम, चूंकि ये एक जैसे हैं तो ये भी डिस्प्लेसमेंट कह दोगे। तो आप जब 10:30 लिखोगे तो 10:30 क्या हो जाएगा, एस बाई टी, इसी को क्या कहते थे, वी, तो वी कितना हो गया, √3, यही है आंसर। तो आपको थोड़ा सा बेसिक में जाकर क्वेश्चन बनाने, ये नहीं कि सर मैंने स्लोप याद किया हुआ है, स्लोप में 10:60 होता है, 1/√3 आंसर कर दिया, 10:30 1/√3 होता है, यार जल्दबाजी में मैं ही गलत कर दूंगा, 1/√3 होता है, 10:30 1/√3 होता है। तो ये नहीं कि मैं स्लोप याद कर लिया इसीलिए मुझसे बन जाएगा क्वेश्चन। आप यदि एनटीएससी के क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो केवल याद है से नहीं चलेगा, अकल लगाओ थोड़ा, एनटीएससी के हैं, एनटीएससी के पूछे गए क्वेश्चन है सेट के, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन, तो फील करो इनकी खूबसूरती क्वेश्चन की, और आपसे बनता है तो आपके प्रयास से, और ये आपको बाकी बच्चों से अलग करता है। मैं अगला क्वेश्चन शेयर करता हूं, इसके लिए इसे हटा रहा हूं स्क्रीन से, स्क्रीन शेयर करता हूं, उस पे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए, 92, आराम से पढ़ लीजिए, 2 मिनट टाइम लीजिए।
क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। यस। मुझे ये बताओ, एक गिटार बजा रहे हैं, उससे आवाज जाएगी, आप रूम में बैठ के सुन रहे हैं, और एक बगल में तबला बजाया जा रहा है और बगल में कोई गा रहा है, तो क्या सबके साउंड अलग अलग टाइम पे आपके कानों में पहुंचेगी कि गाने बजाने शुरू हुए एक साथ पहुंचेगी आपके कानों में? एक साथ पहुंच। इसका मतलब साउंड की स्पीड इस बात पे निर्भर नहीं कर रहा कि कौन से सोर्स से वो जनरेट हुआ, और इस बात पे भी निर्भर नहीं कर रहा कि वो जो जनरेट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। किसी ने सा बजाया है, किसी ने रे बजाया है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के नोट्स हैं ये, सा रे ग म प ध नी सा, और किसी ने ग गाया है, तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट आपके कानों में एक कोई 5 मिनट पहले और कोई 10 मिनट बाद नहीं आएगा। तो याद रखिए आज से आगे के लिए कि वेलोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। चाहे बिल्ली म्याओ करे और चाहे शेर दहाड़े, वो साउंड जो दूर हटेगा सोर्स से चारों तरफ, वो एक ही स्पीड से जाएगा। वो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा, अरे बिल्ली तो छोटी थी तो म्याओ कैसे उतने ही स्पीड से चलेगा। हाँ, लाउडनेस अलग अलग हो सकता है, लाउडनेस मतलब एक का चिल्लाहट ज्यादा दूर तक जाएगा, एक कम दूर तक जाएगा, लेकिन जाने की जो स्पीड होगी वो एक कैसी होगी मीडियम। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? यदि मीडियम नहीं बदला, मीडियम नहीं बदला तो कतई नहीं बदलेगा वेलोसिटी, ये ध्यान रखिएगा। और ये किसी भी वेव में वैलिड है, लाइट में भी वैलिड है, साउंड में भी वैलिड है, और धागे पे जर्क देते हो उसमें भी वैलिड है, पानी के सरफेस पे कंकड़ गिराते हो और रिपल को दूर भागते देखते हो सोर्स वाले पॉइंट से, वो सर्कुलर रिंग को दूर भागते देखते हो, वो भी उसके लिए भी वैलिड है, चारों डायरेक्शन में एक ही जैसे जा रही होती है, वहां तो प्लेन है तो टू डायमेंशन एक ही जैसे जा रही। अब बताओ साउंड का यदि रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन क्या वेलोसिटी बदलेगी? No, sir. बहुत बढ़िया जवाब, क्योंकि रिफ्लेक्शन का माने गया दीवार से टकरा के वापस एयर में ही चला आया, और यदि रिफ्रैक्शन होगा तो बदलेगी। हाँ, मीडियम बदल गया, वेलोसिटी बदल जाएगी। इस आइडिया को सेट करो, ये किसी न किसी तरह से पूछा ही जाएगा, इस बार भी पूछेगा, क्योंकि ये साउंड में कोई भी पूछता है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक्सपेक्ट करता है टीचर कि बच्चे को आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, एक धागे को एक, अच्छा सोचो, मतलब मैं कमरे के भीतर एसी चल, टेम्परेचर है, हीटर जरा हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर जो है मौसम बड़ा ठंडा है वहां है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों अलग अलग मीडियम होंगे, दोनों में वेलोसिटी साउंड की अलग अलग होगी। तो मैं कमरे में बैठ के रियाज कर रहा हूँ सा, तो क्या कमरे के बाहर सुनाई देगा साउंड निकल करके रे, अलग फ्रिक्वेंसी आ, तो बाहर सुनाई देगा, ऐसा होगा क्या, या वही फ्रिक्वेंसी सुनाई देगा? क्या लग रहा है आपको? अच्छा चलो, फ्रीक्वेंसी नहीं समझ में आया, एक काम करते हैं, आप एक धागे को लो और उस धागे को जर्क दो, देखो ध्यान से, ये एक इंसान, इस इंसान के हाथ में धागा, और धागा यहां मान लो फिक्स्ड है, और इसे कहते हो शेक करे, जर्क दे, अप एंड डाउन, ऑसिलेटिंग पॉइंट ओ। अब ये ऑसिलेट करेगा फाइव टाइम्स इन वन सेकेंड या सिक्स टाइम्स इन वन सेकेंड, तो यहां पर एक जर्क ऐसे जाते दिखेगा ना, ये है वेव,
और कोई भी पार्टिकल जो होगा वो कितनी बार ऑसिलेट करेगा, जितनी बार ये धागे को कर रहा है सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी जो होगा, इस आदमी को खूब खिलाओ पिलाओ और कहो कि भाई 6 times के बदले 10 times ऑसिलेट करो, तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा, ऑसिलेट करते रहो और मैं वेव पढ़ रहा हूं, यहां देखता हूं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, मान लो अब कह देते हो, अभी तो यही कह दोगे, यही जो है 6 times per second, इसे कह देते हैं 6 hertz, और यही हो जाता है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के बारे में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड्स ऑन सोर्स, डू नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, क्या करना है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मैं सा रियाज करूंगा, खिड़की के बाहर भी सा का ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, भले ही वेलोसिटी बदल जाए वेव की, टेम्परेचर अलग होने से, मीडियम अलग होने से। एक क्वेश्चन सुनो और उसका आप लोग जवाब देंगे, और फिर हैंड राइज करवाऊंगा कितने को आता है, तब जवाब देना। लोअर ऑल हैंड्स, अब मैं बोल रहा हूं। एक स्पीकर है, बोस का स्पीकर, बहुत पैसे देके मैंने खरीदे, मान लो 35,000 देके खरीदा, वाटरप्रूफ भी है, और उसमें से एक खास फ्रीक्वेंसी में जनरेट कर रहा हूं 1000 hertz। ऑडिबल रेंज क्या है, 20 hertz से 20,000 hertz, 1000 hertz सुनाई देगा। अब उस स्पीकर को मैं पानी में डुबो देता हूं, और मैं नाक बंद करके अपने कान को भी पानी में ले जाता हूं, मुझे क्या वो साउंड अब 1000 hertz के बदले ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा या कम फ्रीक्वेंसी का? बोलो, आंसर ही बोल दो सीधे। सर कम का, इंग्लिश का आइडिया है कम, सर कम। ठीक, बाकी लोग भी बोलिए कुछ। तो मुझे ये बताइए, यदि मैं अभी बताऊंगा आपको कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, क्या मीडियम पे डिपेंड करता है या वो सोर्स की प्रॉपर्टी है? सोर्स की प्रॉपर्टी। अभी आपने क्या सोर्स बदल दिया, बोस के स्पीकर को बदल दिया किसी नए स्पीकर से, बोट वाले स्पीकर से या किसी और स्पीकर से, क्या फ्रीक्वेंसी बदल दी स्पीकर की? आपने तो कुछ नहीं बदला, केवल स्पीकर को डुबो दिया पानी में, महंगा स्पीकर है, वाटरप्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं, पानी में डुबो दिया, तो वो जो आवाज आ रही होगी क्या उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जानी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दो सबको। नो सर। नो सर, कार्तिक का आइडिया है। तो इसका मतलब है 100,000 hertz जितना था पहले, 1000 hertz था, तो अब भी 1000 hertz ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। मीडियम बदलने पर वेलोसिटी बदलता है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता वेव का। जिन लोगों के समझ में आ गया हैंड राइज करो। बाहर निकल के चले आए, मतलब रिफ्रेक्शन हुआ, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रेक्शन हो, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ये याद रखिएगा। सर लेकिन अगर इसी में अगर हमने हमने स्पीकर बाहर रखा हुआ है या हम बाहर हैं तो क्या होगा वॉइस लाउड का? आप मुझे ये बताइए, सोर्स आपके कानों पे डिपेंड करेगा या स्पीकर पे? ये सोर्स कौन है, स्पीकर या आपका कान? सर स्पीकर। स्पीकर से कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है? 1000। हाँ, एफ है 1000 hertz। अब मुझे बताइए कि स्पीकर को मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया और वहां पर हीलियम गैस भर दिया, ऑक्सीजन है ही नहीं, और टेम्परेचर कर दिया 200 degrees centigrade, तो क्या स्पीकर से निकलने वाला साउंड बदल जाएगा, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी? नो सर। ये 1000 hertz, अपना कान भूल जाइए अभी। इस स्पीकर को डाल दो पानी में, डुबो दो, इस स्पीकर को पानी में डुबो दिया, यहाँ है वाटर, अब बताओ यहाँ से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी क्या ये स्पीकर का बदल जाएगा? नो सर। अब अपनी कान को भूल जाओ, कान के कोई आवश्यकता नहीं है इस आइडिया को अप्लाई करने के लिए। अब क्या याद कर रहे हैं आप?
आपने याद किया है कि सोर्स पे डिपेंड करता है ये फ्रीक्वेंसी, और सोर्स यदि फिक्स रखा हुआ है आपने, तो चाहे उसको पानी में डुबो दो, चाहे गैस में डुबो दो, चाहे टेम्परेचर बदल दिया, मौसम बदल दिया, इस सब से वो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? वेलोसिटी बदलेगा अलग अलग मीडियम में जाने पे। सोर्स जब तक अपना सोर्स सेम है वो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, सोर्स चाहे तो फ्रीक्वेंसी बदले, मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। कोई भी पेपर बनाएगा तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछेगा जरूर, या तो फ्रीक्वेंसी के बारे में या वेलोसिटी के बारे में, और नहीं तो एक रिलेशन हुआ करता था, और वो रिलेशन था v equals to f lambda। ये रिलेशन सुना हुआ सा लग रहा है आप लोगों को? Yes. ये है वेलोसिटी और ये है फ्रीक्वेंसी। यदि रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होगा तो वेलोसिटी नहीं बदला, फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही नहीं बदलेगा, ना तो रिफ्लेक्शन से ना ही रिफ्रैक्शन से, तो वेवलेंथ भी नहीं बदलेगा रिफ्लेक्शन होने पर, क्योंकि इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। लेकिन यदि मीडियम बदलता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो मीडियम बदलता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो एफ तो नहीं बदलेगा, तो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा के। यदि डेंसर मीडियम में जाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। अब चलो बैक होते हैं, यहां पर और ज्यादा देर रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पे बस वेलोसिटी आपको पता है नहीं बदलता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, और सोर्स पे फ्रीक्वेंसी, इसी से मैं उम्मीद करता हूं काम बन जाएगा अपना, यदि आता है क्वेश्चन कहीं पे तो। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए स्क्रीन पहले शेयर करना होगा ना, अगला देखिए, ए स्मॉल ब्लॉक 93, आराम से पढ़ लीजिए फिर हम लोग बात करते हैं। बताइए क्वेश्चन क्लियर है? मुझे ये बताइए कि यदि क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 94। आपने प्रैक्टिकली पहले सोचो, लोहे के टुकड़े को पानी में डाल दोगे तो क्या वो ऊपर आएगा या नीचे भागेगा? लोहे के सॉलिड ब्लॉक को, इतना देर सोचेगा बच्चा, फिजिक्स का बच्चा नहीं लग रहा? नीचे जाएगा। हाँ, इतना कौन सा अकल लगाएगा, लोहे का टुकड़ा डाल के देख लो एक दिन घर में जाके। यहाँ देखो एक ब्लॉक है, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये प्लास्टिक का एक बॉल है, वो क्रिकेट खेलने के लिए छोटे बच्चे जो खरीद के लाते हैं हॉलो प्लास्टिक बॉल, या टेनिस बॉल, उसको टेनिस मतलब वो टेबल टेनिस वाला बॉल, तो ये यदि उसको मैं देखूं
तो क्या होगा, क्या उसको पानी में डुबो दूंगा तो वो नीचे जाएगा और या ऊपर भागेगा? ऊपर भागेगा। बहुत बढ़िया, उसी आइडिया पे काम करते हैं। पहले तो ये प्रैक्टिकली फील आना चाहिए, बाद में फिजिक्स विजिक्स आएगा। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो नेचर को मतलब इवेंट को ही नहीं देखोगे तो क्वेश्चन तो गया काम से। ये मान लिया प्लास्टिक बॉल, ये जो डेंसिटी है डी बॉल इज 1/3 ऑफ डी वाटर, कहानी समझ में आ जाना चाहिए। या एक काम करो, ये वाटर का डेंसिटी कह देते हैं डी, और डी डैश कह देते हैं बॉल का डेंसिटी, ये हो जाएगा डी बाई थ्री। डी है डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ बॉल कितना दिखने लगा। अब किसका डेंसिटी ज्यादा है, बॉल का या वाटर का? किसका डेंसिटी ज्यादा है, बॉल का या वाटर का? यदि आयरन का डेंसिटी ज्यादा था तो वाटर में डूब गया, ठीक करो। लेकिन यहां पर तो प्लास्टिक बॉल मान्य माना, तभी तो ये ऊपर भागेगा। ऊपर भागेगा तो उसका एक्सेलरेशन हम जानना चाहते हैं। तो ऊपर फोर्स लाएगा कौन, बताओ? बायंसी। जबकि नीचे कौन लग रहा है, mg। बायंसी होता क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। और वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी लिक्विड, डेंसिटी ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी लिक्विड। और आपको पता है डेंसिटी ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं 1/3 डेंसिटी लिक्विड इंटू डी लिक्विड, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 mg। तो ऊपर कितना फोर्स लगने लगा, 3 mg, नीचे कितना, mg। तो आप क्या लिखने वाले हैं, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, 3 mg माइनस mg इक्वल्स टू एम ए, एम 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 कैंसिल आउट हो गया, 2g इक्वल्स टू ए, एक्सलेशन का ये वैल्यू होगा 2g, ये है आपका आंसर। तो मैं उम्मीद नहीं करता कि आप सब एक ही बार में ये समझ जाते हैं, एक्सपर्ट हो गए, लेकिन जिनके समझ में आया प्लीज वो हैंड रेज करो। कार्तिक, बहुत बढ़िया कार्तिक, अरे वाह तन्वय, शानदार, वाह आरव, क्या बात है रास, बहुत बढ़िया। आद्या, ईशान, नीलेश, युक्ति, अर्पिता, क्या आप सबको एक बार और ट्राई करूं समझाने की? एक बार और ट्राई करूं युक्ति? Yes, मुझे ये बताइए कि बायंसी का नाम सुना है? Yes. ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। वॉल्यूम और डेंसिटी तो मास हो जाएगा ना, और वॉल्यूम जो लिक्विड का है वो उतना ही होगा जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है, उतना ही तो डिस्प्लेस होगा, लिक्विड डिस्प्लेस की बात कर रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड
इंटू जी, और आपको क्या पता है एक और फॉर्मूला, मास अपॉन डेंसिटी, ये हो जाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यदि ऑब्जेक्ट का देखते हैं तो मास भी ऑब्जेक्ट का ले लो और डेंसिटी भी ऑब्जेक्ट का ले लो, तो यहां देखो कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बदले मास अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। यहां तक क्या आप पहुंच जाएंगे धीरे धीरे? यस सर। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया था? 1/3 रिलेटिव डेंसिटी था ना, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डी ऑब्जेक्ट बाय डी लिक्विड, ये क्वेश्चन में था 1/3। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय 3। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अब देखो ध्यान से ऊपर लिख रहा हूं, बायंसी कितना हो जाएगा, एम अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय 3, और ऊपर में भी है साथ में डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इंटू जी है, तो देखो ये कितना हो गया, 3mg हो गया या नहीं, क्या यहां तक आ गए? अब मुझे बताइए बॉल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, बायंसी और mg, बायंसी हो गया 3mg, तो एक्सलेशन कितना होगा, एक्सलेशन के लिए क्या लिख देते हैं, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट हो गया 3mg माइनस mg इक्वल्स टू एम ए, 2g इक्वल्स टू ए। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये अब समझ में आया? Yes, नीलेश इधर थे, अर्पिता नहीं बोल पाएंगे अभी माइक नहीं काम कर रहा, बाकी सारे बच्चों के समझ में आया या किसी को फिर से समझना है? सर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वाह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूं उसके लिए, A wooden plank of length L rests on a frictionless floor. A buoy of mass M now runs over the plank. एक एंड से दूसरे एंड तक चला गया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जब IIT के एग्जाम में आएगा, फिर से मैं बताऊं कि जो 11th पढ़ चुके, 9th वाले की बात मैं कर ही नहीं रहा, जो 11th पढ़ चुके उसमें पहले चैप्टर आता है यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमैटिक्स, फिर फोर्स, फिर वर्क पावर एनर्जी, फिर आता है सेंटर ऑफ मास कोलिजन मोमेंटम। तो जो सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन चैप्टर पढ़ लेगा उन बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूं तो ये क्वेश्चन आंसर करेंगे, और आपके सामने अभी रख दिया। क्या सोच के रख देता है भाई भारत सरकार कि देखो ये जो 9th 10th का बच्चा है, यदि 9th में 11th खत्म कर चुका तो इसको तो, जबकि हमने स्कूल में पढ़ाया केवल 9th, तो ये तो एक्सेप्शनल बच्चा हो गया, इसको खिलाओ पिलाओ, अच्छे अच्छे कॉलेज में बैठा के रखो, इसकी सेवा करो, ये बाद में देश की सेवा करेगा, तो इसको नेट क्वालिफाई, ये NTSU क्वालिफाई करवा के स्टाइपेंड देना शुरू करो। तो ऑब्वियस है, और इस तरह के क्वेश्चन बना के ही सिलेक्शन होगा ऐसा मैं नहीं मानता, इस तरह के क्वेश्चन आप बनाते हैं सिलेक्शन होना पक्का है, यदि नहीं बनाते हैं तब भी हो सकता है, यदि आपने मैट और SST उधर आपने ज्यादा स्कोर कर लिया है अपने लिए तो सेफ रेंज में आप आ गए हैं तो। लेकिन मैं ये भी आपको बनाना सिखाता हूं, फिर आप कहोगे कि सर आज क्यों सिखा रहे हो, पूरे साल यही सिखा देते। तो मैं जब 9th पढ़ाता रहता हूं तो कभी कभी धीरे से कह देता हूं क्लास में
कि भाई आप चाहो तो 11th के क्लास भी कर सकते हो, वो अलग दिन होता है। तो आप में से घबरा जाते हो बच्चे, नहीं सर मैं क्यों करूंगा, मैं 9th पढ़ा है, जबरदस्ती थोड़े ना मैं 11th पढ़ लूंगा, जबकि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस हम लोग थोड़े ना चार्ज करते। तो आप जब घबराओगे तो मैं तो आपको टेंशन नहीं देना चाहता, केवल कह देता हूँ कि भाई कर लो तो ठीक बात। सर आप ये तो बताओ इसका करोगे क्या, देखो क्या करेंगे, आपको नाव पे बैठा के फील करवाएंगे। देखो यहाँ बोट, ये प्लैंक, और प्लैंक पे आप हो गए खड़े। आप यदि प्लैंक, आपका मास है m, प्लैंक का मास है m by 5, और देखा ये जाता है कि आप यदि आगे चल करके आएंगे तो आगे चल के आते वक्त प्लैंक जो एक सरफेस पे रखा हुआ है स्मूथ, इस सरफेस पे प्लैंक कुछ पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाता है। तो आप तो, आपको तो ऐसा लग रहा है कि आप कितना लेंथ चल करके आ गए एल, लेकिन उस चलने के दौरान ये प्लैंक कितना मूव कर गया पीछे एक्स, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया। सर ऐसा कैसे होगा, तो आपका पैर आपको खींच के आगे ले जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन, वो प्लैंक पे किधर आएगा, फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन तो हमने सुना है कि अपोज करता है मोशन को, अरे छोड़ो, यदि आप एक्सेलरेटेड हो तो आपको एक्सेलरेशन यही फ्रिक्शन देता है, ये स्टैटिक होता है, जिसका डिटेल आपको स्टैटिक फ्रिक्शन नाम के चैप्टर में 11th में पढ़ाया जाता है। अभी तो फिलहाल ये सोचो कि आदमी को आगे कौन ले गया होगा, तो फ्रिक्शन, तो प्लैंक को पीछे कौन लाएगा, तो फ्रिक्शन। और बाहर का जब कोई फोर्स ना हो तो हम लोग एक आइडिया याद रखते कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा सिस्टम के सेंटर का, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ये जीरो होना चाहिए। और वो देखेंगे कैसे, ये लिखते हैं M1S1 प्लस M2S2 जीरो, ये क्लास 11th का कंसेप्ट, क्लास 11th चैप्टर सेंटर ऑफ मास। सर ये तो अन्याय है, अत्याचार है, अच्छा चलो देखते हैं। अब मुझे ये बताओ आदमी ने कितना डिस्प्लेसमेंट प्राप्त किया, तो L माइनस एक्स, और ये प्लैंक ने कितना डिस्प्लेसमेंट प्राप्त किया, m बाई 5 इंटू माइनस एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ होता है, राइट साइड आपने प्लस मान लिया तो लेफ्ट साइड जो जाएगा वो नेगेटिव कहलाएगा। तो आदमी यदि प्लैंक को कोई रोक के रखता तो आदमी L चला गया होता आगे प्लैंक पे चल के, लेकिन प्लैंक पीछे चला आया X, तो आदमी चल के गया प्लैंक पे L, और प्लैंक खुद चला आया पीछे X, तो आदमी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आगे गया, L माइनस एक्स। सर ये L माइनस एक्स नहीं समझ में आया, फिर से सोचो, एक सीढ़ी है, आप सीढ़ी पे चल रहे हो ऊपर, और सीढ़ी बहुत लंबी है, ऊपर छत पे खड़ा आदमी सीढ़ी को धीरे धीरे नीचे कर रहा है, तो आप ऊपर आए या नीचे, तो दोनों का नेट वैल्यू देखना पड़ेगा। आप 10 कदम ऊपर चले और 2 कदम सीढ़ी नीचे तब तक डाल दिया गया, तो आप 8 कदम ऊपर आए ग्राउंड के रिस्पेक्ट। उसी तरह प्लैंक गया, मान लो 5 मीटर की लंबाई प्लैंक है, तो 5 मीटर चल करके प्लैंक पे जब गया दूसरे किनारे तक आदमी, तब तक प्लैंक जो है 1 मीटर पीछे आ गया, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना गया होगा आदमी आगे, 4 मीटर। तो ये वही कहानी है, और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट है तो निगेटिव लिखा माइनस एक्स। इनको मैं सॉल्व करने की सोच रहा हूं, इक्वल्स टू जीरो, तो 5L माइनस, एक काम करो आप इससे, चलो देख लेते हैं, यदि याद रह गया आप लोगों के तो अच्छी बात, 5X माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, 5L इक्वल्स टू 6X, यहां से आ गया X इक्वल्स टू 5L बाई 6, और तब डिस्प्लेसमेंट L माइनस एक्स देखेंगे, L माइनस 5L बाई 6, ये हो जाएगा L बाई 6। आपसे
किसको बताने को कहा गया? ये तो प्लैंक कितना पीछे आया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो चित्र देखो, एल आगे गया ही गया और एक्स पीछे भी आया प्लैंक के साथ, तो ये हो गया एल बाई सिक्स। एल बाई सिक्स आदमी आगे आया है। ये आप सब समझ जाएं, इसकी मैं कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें पूरे हमें कम से कम डेढ़ दो घंटे का अलग से आपको सेंटर ऑफ मास का लेक्चर देना पड़ेगा। फिर भी यदि कुछ बच्चों के समझ में आया हो तो बता दो। ओके, घबराए नहीं, मैंने पहले कह दिया ये किस चैप्टर से है। सर इसका कोई फॉर्मूला बना के दे दो, ऐसा हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है, यदि कोई नाव है, नाव का मास है कैपिटल एम और इस पे एक इंसान खड़ा है स्मॉल एम, ये एल लेंथ का है नाउ। यदि ये चल करके जाता है आगे, तो बोट जो है इस पानी में जब ये चल करके जाएगा तो बोट कुछ पीछे चला आता है, अगले किनारे तक जाएगा, तो बोट कितना पीछे चला आया वो एक्स कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक्स कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। एक्स लिखने का फॉर्मूला बन जाता है, कैसे बन जाता है वो देखो, हमने कैसे सॉल्व किया था। एस जो होगा नेट सेंटर ऑफ मास का जीरो, एम वन एस वन प्लस एम टू एस टू जीरो, और ये कहां से आया स्मॉल एम इंटू एल माइनस एक्स प्लस कैपिटल एम इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो स्मॉल एम एल माइनस स्मॉल एम एक्स प्लस कैपिटल एम एक्स माइनस के साथ माइनस कैपिटल एम एक्स इक्वल्स टू जीरो। स्मॉल एम एल हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स, तो एक्स हो जाता है एम एल अपॉन एम प्लस एम। कितना शिफ्ट होगा ये बोट, तो ये एक्स हो गया कितना बोट शिफ्ट, ये मास ऑफ मैन मास मैन इंटू एल अपॉन मास मैन प्लस मास बोट, ये कहानी है। इसे चाहे तो नोट कर ले इस फॉर्मूले को। है आता है, ये प्रैक्टिकली दिखेगा, बोट पे आगे जाओगे बोट पीछे आएगा। यदि आप लोग नदी वदी में गए हो घूमने घामने और कहीं मौका मिला हो तो आप ये फील कर सकते हैं, या कहीं पिक्चर में देख सकते हैं, मछुआरा एक तरफ कूदता है बोट से और बोट दूसरी तरफ जाती है, बोट पे चल के एक तरफ जाएगा इंसान, बोट दूसरी तरफ आएगी। आप केवल फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले में है ये इंसान और ये है बोट कैपिटल एम, और बोट की ये लंबाई मान लेते हैं एल चल के गया, तो बोट से जब ये एल चल के आगे आएगा, बोट से जब ये एल चल करके आगे आएगा तो बोट कुछ शिफ्ट होगा निश्चित रूप से, और बोट जो शिफ्ट होगा वो एक्स कैसे देखते हैं आप, एक्स के लिए एक फॉर्मूला आ गया है स्मॉल एम एल अपॉन एम प्लस एम। एग्जाम्पल देखिए, आपसे कह दिया गया बोट है 60 केजी का, इस पे एक लड़का खड़ा है 40 केजी का, और ये चल करके दूसरे किनारे पर जाना चाहता है, चल करके दूसरे किनारे पर जाना चाहता है, क्यों, जो बोट की लंबाई मान लेते हैं 10 मीटर दी गई। आपको बताना है कि लड़के के चलकर दूसरे किनारे तक जाने में ये बोट कितना शिफ्ट हो गया होगा एक्स, ये आपको बताना है। एग्जाम्पल चित्र कथा बन गई, और सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे आप, एक्स इक्वल्स टू एम एल अपॉन एम प्लस एम, एम है
40 इंटू एल है 10 बट्टे 40 प्लस 60 400 बट्टे 100 4 मीटर बोट शिफ्ट कर गया। तो आदमी गया 10 मीटर जबकि बोट चलाया है 4 मीटर तो आदमी वाटर के रेस्पेक्ट में कितना आगे गया 10 माइनस 4 6 मीटर केवल आगे गया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना यदि समझ में आ गया हो तो हैंड राइज कर दें। जिन जिन के समझ में आ गया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं हटाऊं पेज? यस सर। एक रॉड है वर्टिकली हैंड, स्क्रीन सेव नहीं है। अच्छा नहीं हुई, एक सेकंड रुक जाओ अभी करता हूं फिर से। अब देखो तो अब आई यस 95 चेक करो आराम से पढ़ लो, दो मिनट टाइम लो, सोचो, चित्र बनाओ कॉपी पे, रफ कॉपी पे, अब आसपास हो आपके तो, नहीं तो मैं फिर समझाता हूँ। वो घरेलू कर लेना निकाल दो चलो है देखिए जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये रॉड देखिए, रॉड में बहुत से पॉइंट हैं, सेंटर को कहां देखना चाहोगे, मास जो है कहां पर देखेगा एम, मिड पॉइंट पे। आप यहां कंसेप्ट ध्यान रखिए, टू राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक रिजिड ऑब्जेक्ट और एनी रिजिड ऑब्जेक्ट एज्यूम टोटल
मास इज प्रेजेंट एट इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो ये चैप्टर डिटेल और पढ़ेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट अभी सेट करिए दिमाग में। अब यदि मैं इसको यहां से यहां कर देता, रोटेट करके हॉरिजॉन्टल, तो ये सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर आ गया, चेक करो कितना हाइट ऊपर आ गया, एल बाई टू। यदि ए से बी में वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पूछता, हु रोटेट द रॉड, ये हो जाता गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाता MgH, और ये हो जाता MgL by 2। पहले ये आइडिया, ये एग्जाम्पल ओके हो गया। वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करने में, अरे आपके कंधे पे बैग डाल दूं और एच हाइट ऊपर ले जाओ, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी MgH, बैग को ऊपर ले जाने में वर्क। अरे ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर, यस सर। लेकिन आपके क्वेश्चन में ट्विस्ट है, रॉड को आपने रोटेट किया इतना कि रॉड जो है ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 30 डिग्री, तो वर्टिकल से कितना बना रहा होगा, 60 डिग्री। अभी देखो मास यहां पे, और बाद में देखो मास यहां पे, ये लेंथ तो फिक्स है ना, एल बाई टू, ये भी फिक्स है एल बाई टू, वही एल बाई टू। तो आप यहां मूव करते देख रहे हो ऐसे, तो वर्क डन कितना लिखोगे आप, वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू MgH। सर ये H कौन होगा, रहस्य है, H होगा ये। अब आप लोग जो महारथी हो, ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, ज्योमेट्री जानते हो, तो ढूंढो ना एच। गलत बात सर, आप बताओगे, आप पढ़ा रहे हो, क्या यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कोई? हाँ सर, एक तो दिखा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, तो ये यदि एक्स कह देते हैं या ये यदि वाई कह देते हैं, तो कॉस 60 कितना होगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा y by l by 2, तो y हो जाएगा l by 2 cos 60, ये हो जाएगा l by 4, तो h कितना होगा, हाँ सर ये तो रहस्य है, h हो जाएगा l by 2 minus y, l by 2 minus l by 4, ये हो जाएगा l by 4, तो ये work done कितना हो गया, mg l by 4। ये ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉस 60 नहीं समझ में आया हो तो पूछना, और यदि समझ में आ गया हो तो खुशी की बात, जिनके समझ में आया वो हैंड राइज कर दो। बहुत बढ़िया आरव, बहुत बढ़िया अर्पिता, युक्ति, राशि, अरे वाह कार्तिक, बहुत बढ़िया। ईशान, नीलेश, तन्मय, कहां परेशानी है, बहुत बढ़िया तन्मय। अरे नीलेश बालक कहाँ हो, ये समझ में नहीं आया, नीलेश बोलो, बालक कुछ बोलो,
अरे मैं एक बार फिर से समझा सकता हूँ, जब आप बताओगे ना नहीं समझ में आया तभी तो मैं कोशिश करूंगा ना। निलेश मैं मान लेता हूँ। अच्छा आप व्हाट्सएप में लिख रहे हैं, चैट में आ गया समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ गया यही मैं चाहता था। ओके ओके नीलेश, सिस्टम की परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं। वही मैं आश्चर्य में पड़ गया, कैसे नहीं आएगा समझ में इसके। चलो ये ग्राफ दिख रहे हैं आपको, अरे ये 2018 वाले एग्जाम का पेपर है सर। आपकी स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर नहीं है वो। अच्छा याद दिलाया, अभी शेयर करता हूँ। ये 2018 के पेपर को हम लोग देख रहे हैं, ये अभी शेयर कर देता हूँ फिर से स्क्रीन। मेरे सामने आ गया तो मुझे लगा शेयर हो गया, अभी शेयर होगा, आ गया आपके पास, चेक करो। आप भी टेंशन में रहोगे सर एक भी नहीं दिख रहा, 12th वाला लियो, 10th वाला भी दिख गया। 96 नंबर क्वेश्चन, क्या विचार? 6 और 3 ओम का सीरीज में बताओ कितना होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। अरे बोलो बालक, 6 और 3 का सीरीज, 6 और 3 9, 6+3 9, 6 और 3 ओम यदि पैरेलल होता तो क्या हो जाता? 6 × 3/6+3 18/9, 2 ओम हो जाता। तो जब दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज करते हैं तो उसका वैल्यू बड़ा होता है, बड़ा रहता है, और दो रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाता है। और बाकी देखिए 6 और 3 का एक वैल्यू हो गया कितना? 9, रेजिस्टेंस सीरीज वाला सबसे ज्यादा, और 6 और 3 का पैरेलल वाला हो गया 2, और बाकी जो दोनों रेजिस्टेंस है 6 और 3 वो 2 और 9 के बीच में होगा, 2 और 9 के बीच में होगा। तो ये कहानी यहां हमने पता कर ली। अब देखिए फिर से वहीं पर आ गया, आपको ले चलता हूं व्हाइट बोर्ड पे। मुझे ये बताइए यदि आपके सामने में ग्राफ है आई और वी वाला, तो यहां से यहां तक देगा वी और यहां से यहां तक देगा आई। ग्राफ है ये, तो यहां यदि मैं स्लोप देखूंगा, स्लोप 10 थीटा, ये क्या आ गया? आई बाई वी, परपेंडिकुलर बाय बेस, जबकि हमने पढ़ा हुआ है v=ir, तो 1/r हो जाएगा i/v, तो 1/r, तो r किसके बराबर हो गया? 1/slope। अब ध्यान से देखिए यदि मैं 4 लाइन खींच दूं तो जिसका मान लो 2 रेजिस्टेंस होते R1 6 ओम
आर टू थ्री ओम, ये आईवी का मैं ग्राफ बना रहा होता, आर सीरीज हो जाएगा 9 ओम, आर पैरेलल हो जाएगा 2 ओम, तो सबसे बड़ा जो स्लोप होगा वो उसका उसका रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा जो स्लोप होगा उसका उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम, तो ये यहां होगा आर पैरेलल, और यहां हो जाएगा, और जब जिसका जिसका स्लोप सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे बड़ा हो जाएगा आर सीरीज, और बाकी रेजिस्टेंस 1 2 कहां होगा, तो जैसे जैसे ये हो जाएगा आर 1 ये आर 2, क्या ये आइडिया समझ में आया, जिनके आया वो हैंड राइज करिएगा प्लीज, पहले लोअर कर देता हूं सबका हैंड, बहुत बढ़िया कार्तिक, बहुत बढ़िया आरब, बहुत बढ़िया अर्पिता, अरे गजब बहुत बढ़िया, 3 बच्चे हो गए जिनके समझ में आ गए, बाकी बच्चे कहां पर हैं, बहुत बढ़िया राशि, किसान नीलेश तन्मय कहां हो बालक, युक्ति फिर से समझाऊं, ईशान बहुत बढ़िया, युक्ति भी समझ में आ गया बहुत बढ़िया, और नीलेश बातचीत ही करता है केवल व्हाट्सएप से, ओके। तो ये कहानी जो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग है तो आपके सिलेबस के भीतर, लेकिन आपको लग तो रहा है कि कुछ खास है भाई, कुछ खास है, और स्लोप को मैंने 3 बार यूज किया है, देखिएगा ध्यान से, 11th वाले 2 टॉपिक में आया था वो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, वहां 2 बार स्लोप, 1 बार देखो यहाँ भी आ गया स्लोप, लेकिन इतने इंटेलिजेंट वे से कि यदि किसी के सामने में आए तो टेंशन हो जाए, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, ग्राफ आते ही स्लोप के बारे में पकाओ जो भी पका सकते हो, फिर शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, यहां चेक कर लो, अब कह दोगे ना X4 जो होगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा है वो पैरेलल वाला है, और X1 जो होगा वो सीरीज वाला होगा क्योंकि स्लोप कम है, रेजिस्टेंस का इफेक्टिव वैल्यू ज्यादा है, और R1 R2 जो 2 रेजिस्टेंस है वो X3 X4 X2 X3 में कोई भी ले लो, ऑप्शन अब देख लो, पैरेलल वाला X4 2 ऑप्शन दिख रहा है, और सीरीज वाला X1 ये केवल तीसरे नंबर ऑप्शन में है, तो तीसरा आपका आंसर हो जाएगा, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 97, आराम से पढ़ लो पहले, देखिए एक आइडिया जो आपको तुरंत रिजल्ट तक पहुंचा दे, देखिए यहां पर एक रे आ रही है, ये 2 मिरर है 90 डिग्री,
सोचो ये 30 डिग्री पे रे आई, ये इधर कितने पे गया होगा, ऑब्वियस है 30 पे, आई बराबर आर, और यहाँ 30 है तो यहाँ कितना होगा 60, यहाँ 60 है तो यहाँ कितना होगा 30, ये 30 है तो यहाँ कितना होगा 60, तो इधर भी जाएगा कितने पे 60 पे। तो देखिए तो यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है इन दोनों का सम करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आ जाता है, इन दोनों का सम करने पर वैल्यू कितना आ जा रहा है, इन दोनों का सम कर देने पर वैल्यू आ जा रहा है 180 प्लस 60 180। इसका मतलब ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल लाइन है, डायरेक्शन कैसा है एंटी, तो हम कितने डिग्री पे मिरर होना चाहिए 90 डिग्री पे। ये याद रखा जाता है कि 90 डिग्री वाले दो मिरर होते हैं तो आने वाले और फाइनल रिफ्लेक्ट होके जाने वाले लाइन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इवन 10th में पढ़ाते वक्त बोला जाता है जिससे बच्चे इसे याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए किसी वायर के मैग्नेटिक फील्ड का ताकत, वायर वाले करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का ताकत क्या होगा। तो वायर के नजदीक में ज्यादा होता है इनफाइनाइट के जैसा और वायर से दूर जाते जाते कम होती जाती है, और ऐसा ऑप्शन है 1 और 3, और वो फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता, तो ये 3 वाला कर्व एक रटा रटाया कर्व होता है 12th के बच्चों के लिए, 9th के बोर्ड में ये कतई नहीं पूछा जाता, लेकिन एनटीएससी पूछ रहा है। तो एनटीएससी जब बायो सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं 12th में जाके, 10th में है नहीं, तब तो वहां फॉर्मूला निकल के आता है इनफिनिट वायर का, या तो कैलकुलस यूज करके या अदरवाइज। तो मैंने क्लास में भी कभी लिखाया भी है आपको कि वायर के कारण आर दूरी पर, वायर के कारण यहां पर यदि करंट वाली वायर है इससे आर दूरी पर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखते हैं म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो बी आर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2π और ये बी इंटू आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका जो ग्राफ बनता है बी और आर का वो ऐसे बन जाता है। ये क्लास 12th, तो जो थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं बायो सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, उससे डिराइव होके आता है रिजल्ट, तो उनको ये याद रहता है और ये 12th के बच्चों को याद ही रहता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है किसी वायर से, और म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4π का वैल्यू होता है ऐसा यूनिट में 1 × 10⁻⁷ ऐसा यूनिट में, 1 × 10⁻⁷ होता है ऐसा यूनिट। म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब उस सब का डिटेल 12th में चर्चा किया जाता है। ये कांस्टेंट है वैल्यू, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे, वही बात है 11th 12th के बोर्ड, 11th 12th के क्लास या 11th 12th के लेक्चर्स आप यदि देखते रहे शुरू से 9th 10th में, 9th में 11th और 10th में 12th, तो फिर ये आसान लगने लगते हैं। नहीं तो केवल आप ही नहीं, सारे बच्चे टेंशन में होंगे, लेकिन स्कोर अपना बनाए रखना है। यदि अपना कॉन्फिडेंस ना टूटने दें तो फिर जो आप स्कोर करेंगे उसी पे सिलेक्शन होना है, ये मान के चलो, उसमें मेरा मुझे कोई शक नहीं है। यहां देखिए, ए ग्राफ इन ए फिगर शोन हाउ द इनवर्स ऑफ द मैग्निफिकेशन 1/m प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन कन्वेक्स लेंस वेरीज विथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, the power of lens will be
मैग्निफिकेशन ये बात कर रहा है ना, थिन कन्वेक्स लेंस। देखिए थिन कन्वेक्स लेंस, आप यदि कहते हैं ये है 1/m और ये है u और ऐसे है 1/m, तो यहां पर ये जो एक्सेस है इस एक्सेस को गौर करो, यू एक्सेस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो याद करो कन्वेक्स लेंस में जब आप फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते थे, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो उसका इमेज कहां बनता था, एट इनफाइनाइट, वो उधर नहीं इधर, एट इनफाइनाइट। और कितना बड़ा बनता था, बहुत बड़ा। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता था, इनफाइनाइट। तो 1/m क्या हो जाता था, जीरो। आपको इस चित्र में यहां दिख रहा है, इस जगह दिख रहा है कि यहां फोकस होगा, तभी वहां 1/m जीरो है और तभी वहां m है इनफाइनाइट। ऐसा तभी होता था जब फोकस पे रखते थे। और यदि ये f है तो पावर क्या लिखते हैं, पावर लिखते हैं 1/f। तो 1/ यदि वो a कह रहा था तो a जो भी कह रहा है। क्या सोचा हमने, हमने सोचा एक डायग्राम, जो आपको बार बार मैंने कहा है कि डायग्राम याद करो कि फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज कहां बनता था, इनफाइनाइट पे, याद करो। तो आप यदि बात करते हैं मैग्निफिकेशन ये कितना, ये लिखोगे v by u, इनफाइनाइट बाय फोकस, ये तो जीरो होना ही है, ये इनफाइनाइट होना ही है। और इनफाइनाइट को किसी फिक्स से डिवाइड करें तो 1/m क्या हो जाएगा, 1/∞, जीरो। ये मैथ्स में आप सीखते हैं धीरे धीरे, 1/∞ को कहते हैं जीरो। तो जहां पर 1/m जीरो है वो वाला पॉइंट फोकस वाला पॉइंट है, तो फोकस का लेंथ पता चल गया, तो पावर लिख देंगे 1/f, तो 1/a। ये है आंसर। जिनके समझ में आया वो हैंड राइज करो तो प्लीज, पहले लोअर कर देता हूँ हैंड, अब हैंड राइज करो तो प्लीज। आरव युक्ति तन्मय अर्पिता राशि ईशान कार्तिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यदि आप समझ पा रहे हैं तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए 2018 का ये लास्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन ऑल द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर आइडियल। 5 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 10 ओम एक है, एक 10 ओम है और 2 एमीटर है, और A2 का रीडिंग पूछ रहा है। मुझे ये बताओ एमीटर आइडियल जो होता है क्या वो करंट को रोकता है, क्या उसकी रेजिस्टेंस होती है अपनी, क्या होता है एमीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर का, कहो जीरो। क्यों, क्योंकि सर्किट में सीरीज में यूज करते हैं वो हमेशा। यदि वो रेजिस्टेंस बढ़ा देगा सर्किट का तो करंट ही बदल जाएगा जिसको वो मेजर करना चाहता है। तो एमीटर जो होता है वो एमीटर का आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। आइडिया याद रहेगा, इसका मतलब बैटरी से करंट निकला 10 ओम से चला और A1 से सारा का सारा करंट बैटरी में वापस चला जाएगा, क्योंकि A1 वाले लाइन में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, A2 की तरफ जाएगा ही नहीं क्योंकि आगे 10 लोग लाठी लेके करे हैं 10 ओम पीटने के लिए, किधर आया तो बहुत मार मारूंगा। तो इसका मतलब है A1 से सारा करंट चला गया तो वो करंट हो जाएगा 5/10+1। ओके
तो अब जो है हम लोग क्या कहेंगे, ए टू का करंट जीरो हो जाएगा। जिनके समझ में आया वो हैंड राइज करें प्लीज। फिर से लोअर हैंड कर दिया, अब बताओ हैंड राइज करके। अरे वाह युक्ति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कार्तिक, राशि अर्पिता, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से टेस्ट दीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के आपके टेस्ट में आपसे ना बने तो प्लीज मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए, यदि जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको बोलकर लिख कर जैसे होगा आपको गाइड करूंगा। और मेरा नंबर जिनके पास ना हो वो ले लें। फिजिक्स के लिए ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, और फिर भी लगे कि नहीं कोई पॉइंट बहुत जरूरी है आप मुझसे फोन पे बात करें। ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एनटीएससी का एग्जाम दें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।